नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डंफर स्टडी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ में इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे यूपीटेट 2020 की वैधता के बारे में। 17, 18, 19 और 7 में जो 20 वाले अभ्यर्थी हैं उसके बारे में सारी अपडेट हम कवर करेंगे, किस किस को आवेदन करना है। और आजीवन के बारे में अगर हम बात करें, जो पहले यूपीटेट दे चुके हैं क्या उन सबको दोबारा से देना पड़ेगा या पुराना मान्य होगा। साथ में 69,000 की न्यूज़ और साथ में TGT की न्यूज़ भी कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। एकेडमी लेकर आया है TET चैंपियनशिप टेस्ट 15 नवंबर शाम 6 बजे से। ये टेस्ट 60 मिनट का होगा जो कि बिल्कुल फ्री रहेगा। 15 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट से आपके देखने के लिए मिलेंगे EBS हिंदी CDP मैथमेटिक्स से। फर्स्ट से थर्ड रैंक वालों को मिलेंगे 5,000 के अमेजोन के वाउचर। फोर्थ और टेंथ रैंक तक वालों को मिलेंगे 3,000 और 11 और 20 रैंक के बीच में जो आएंगे उनको मिलेंगे 1,000 के अमेजोन के वाउचर। टेस्ट बिल्कुल फ्री है, आज ही अटेम्प्ट करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अनअकैडमी लेकर आया है सीटेट पेपर 1 के लिए फ्री लाइव क्लासेस की सीरीज, जो कि स्टार्ट हो गई है 12 नवंबर से। आज ही ज्वाइन करें अनअकैडमी पर सीटेट की प्रिपरेशन को और भी बूस्ट करने के लिए। आज ही ज्वाइन करें अनअकैडमी की फ्री लाइव क्लासेस की सीरीज, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। साथ ही अनअकैडमी लेकर आया है सीटेट पेपर 2 के लिए फ्री लाइव क्लासेस की सीरीज 14 नवंबर से। इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं पेपर 2 की अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए। आज ही ज्वाइन करें अनअकैडमी, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। इंडियास लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया। अगर आप टेट सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी लेकर आया है सीटेट मैसअप पेडागॉजी बाय हिमांशी सिंह। फ्री लाइव क्लासेस आज ही ज्वाइन करें 11 नवंबर से 20 नवंबर तक, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अनअकैडमी लेकर आया है ACET 2020 कंप्लीट बैच कोर्स, स्टार्ट हो गया है 12 नवंबर से। सभी बैच को एक्सेस करने के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफी है, आज ही ज्वाइन करें अनअकैडमी, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। अनअकैडमी प्लस पे आपको मिलेंगे बहुत सारे फीचर्स, घर से बैठकर आप लाइव पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं सभी कोर्सेज पर, इंडिया के टॉप एजुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, एक्सक्लूसिव आपकी कवरेज होगी सभी सिलेबस के ऊपर, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा, लाइव टेस्ट, स्टडी मटेरियल मिलेगा PDF फॉर्मेट में, आंसर राइटिंग सेशन भी होगा, मेंटरशिप गाइडेंस भी मिलेगी। आज ही ज्वाइन करें अनअकैडमी प्लस, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अनअकैडमी पर आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ की, जिसमें आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट ऑनलाइन अड्डा के रेफरल कोड के साथ। आज ही एनरोल करें। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप, गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों में उपलब्ध। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि शिक्षक बनने के लिए सीटेट या फिर यूपीटेट आप सभी के पास में होना चाहिए। अब सीटेट के बारे में सरकार की तरफ से फैसला लिया गया, जैसा कि आप सभी को पहले मैंने बताया था कि लाइफ टाइम करवा दिया जाएगा। आगामी समय के अंदर आपको इस प्रकार की जो चीज़ें वो देखने के लिए मिल जाएंगी। सीटेट के फैसले के बाद से अब यूपीटेट 2020 को लेकर चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है, क्या 17, 18, 19 या फिर इससे पहले जिन्होंने यूपीटेट दिया है वो इसके अंदर मान्य होगा कि नहीं होगा, या फिर उन सभी को 2020 के अंदर आवेदन करना पड़ेगा। तो इसी को लेकर अभ्यर्थियों के मन में तमाम सवाल हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जब पिछली बार यूपीटेट होने वाला था 2019 वाला, उससे पहले भी एक चीज़ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिली थी कि आगामी शिक्षक भर्ती के अंदर टेट का 1/4 जुड़ेगा। उसके बाद हजारों अभ्यर्थियों ने जिनके यूपीटेट के अंदर पास थे लेकिन नंबर बढ़ाने के लिए अप्लाई कर दिया। अब ऐसे में 2020 का जो TET वो आने वाला है फरवरी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन उससे पहले अभी तक ऐसी कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई है जिसके अंदर TET का 1/4 जुड़ेगा, और ना ही आगामी समय के अंदर अभी फिलहाल कोई भर्ती आने वाली है जिसके अंदर अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा फैसला लिया गया हो कि आपके TET का जो 1/4 है किसी भर्ती में जुड़ेगा, चाहे वो प्राइमरी की बात हो या फिर जूनियर की। इससे पहले जितनी भी अफवाहें वायरल होती हैं वो कहीं ना कहीं तमाम तरीके की चीज़ें देखने के लिए मिलती, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी ऑफिशियल जानकारी इसको लेकर अभी तक नहीं निकली है। लेकिन ऐसे में अगर बात करें यूपीटेट 2020 के बारे में बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज हैं, तो ऐसे में आप सभी को यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। उससे पहले जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दें, साथ में जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। तो सबसे पहले तो आप लोग इस खबर को पढ़िए, उसके बाद मैं आपको चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट करूँगा कि यहाँ पे आसार हैं कि इस बार जो TET आने वाला है रिकॉर्ड आवेदन आपको देखने के लिए मिलेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंदर, जहाँ पे उनका कहना है कि हर बार अगर बात करें शिक्षक पात्रता के अंदर हजारों की संख्या की बात तो कह ही नहीं है, लाखों की संख्या के अंदर अभ्यर्थी यहाँ पे जो आवेदन है वो करते हैं। पिछली बार जैसा कि आप लोग देखेंगे 15 लाख, 16 लाख, 10 लाख लगभग इतने अभ्यर्थी इसके अंदर आवेदन करते रहते हैं, लेकिन उनका कहना है कि इस बार जो 2020 की होने वाली है इसके अंदर रिकॉर्ड आवेदन होने के आसार हैं। रीज़न आपको बताया गया है वो ये है कि इस बार जो यूपीटेट होने वाला है उसमें सरकार की तरफ से जो फैसला है वो लिया जा सकता है कि
बीसीएस को आजीवन किया जाएगा। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि इससे पहले जितने भी यूपीटेट किए गए हैं क्या उन सभी अभ्यर्थी को फेस देना पड़ेगा। वैसे तो अगर बात करें सरकार की तरफ से अगर ये फैसला लिया जाता है तो छात्रों के हित में तो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं हो जाएगा कि पुराने वाले सभी देते रहेंगे। अगर इस प्रकार होता है तो आगामी समय के अंदर फिर 5 साल का कर दिया जाएगा, फिर अभ्यर्थियों को दोबारा देने पड़ेंगे। तो इस प्रकार की चीज़ों से सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थियों को नुकसान होगा। तो ऐसे में संभावनाएं ऐसी हैं जो पुराने आप सभी के मान्य हैं जिनको अभी तक 5 साल नहीं हुए हैं उनकी जो वैधता है वो बढ़ाई जा सकती है, इसके बारे में चर्चाएं हुई हैं, लेकिन अभी स्पष्टीकरण आना बाकी है। जो भी अभ्यर्थी पिछले यूपी टेट को लेकर परेशान है 17, 18, 19 वाले, या फिर अगर बात करें इससे पहले तो आपको पता वैलिड वैसे भी नहीं रहे, लेकिन जो फिलहाल इनकी वैधता बची हुई है इसको लेकर अभी फैसला होना बाकी है। तो ऐसे में अगर बात करें 2020 यूपी टेट को लेकर भी सरकार की तरफ से अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि यहाँ पे आजीवन जो वैधता है वो बढ़ा दी जाएगी। नीचे आप सभी को देखने के लिए मिल भी रहा है कि यहाँ पे एनसीटीई की तरफ से, जैसा कि आप सभी को बताया कि सीटेट की जो पात्रता है, मतलब पात्रता परीक्षा है, उसकी वैधता बढ़ाकर 7 साल आजीवन के लिए कर दी गई है। अब आगामी समय के अंदर यूपी टीईटी के अंदर भी ऐसा हो सकता है, दोबारा परीक्षा देने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन इसका जो निर्णय वो राज्य सरकार को लेना है कि 5 साल या फिर आजीवन कर दी जाएगी। तो इसको लेकर अभी तक राज्य सरकार की तरफ से फैसला नहीं हुआ है, और आगामी समय के अंदर अगर ऐसा होता है तो टेट 17, 18, 19 के बारे में भी आपको फैसला देखने के लिए मिलेगा। संभवतः कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि जो पुराने प्रमाण पत्र हैं उनकी भी जो वैधता है बढ़ाई जाएगी, अदरवाइज अगर ऐसा होता है तो हर साल नए नए फॉर्मूले लाकर सिर्फ आवेदन बढ़ाए जा सकते हैं। इससे नुकसान सीधा सीधा अभ्यर्थी को होता है क्योंकि शिक्षक भर्तियाँ निकल नहीं पाती, एक निकलती 3 साल में पूरी होती है, और ऐसे में यूपी टेट 3 बार करवा दिया जाता है 3 सालों के अंदर। क्योंकि 2019 के टीईटी से पहले भी ऐसी आपको जानकारी निकली थी कि शिक्षक भर्ती आएगी उसके अंदर 1/4 जुड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इस बार भी आप लोग फिलहाल इंतजार करें, जब तक यूपीटेट 2020 का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं या फिर जो आवेदन जिनके पास है ही नहीं है टीईटी, वो तो आवेदन करेंगे, लेकिन जिनको लगता है कि इस बार टीईटी देने के बाद वैधता बढ़ेगी इसको लेकर अभी तक राज्य सरकार की तरफ से फैसला लेना बाकी है। जब तक उनकी तरफ से फैसला नहीं आ जाता उसी समय पर 17, 18, 19 टीईटी के बारे में भी आपको फैसला देखने के लिए मिल सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे यूपी टेट के बारे में, कब होने वाला है मैंने आप सभी को बता भी दिया कि फरवरी में आपको देखने के लिए मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की 69,000 की न्यूज को लेकर, साथ में टीजीटी न्यूज को लेकर, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 69,000 के अंदर तमाम ऐसे मुद्दे लगे हुए हैं जिनके बारे में समय समय पर आपको चीज़ें देखने के लिए मिली हैं। उसी से संबंधित एक और मुद्दा है जो कि है पेपर लीक का, या फिर अगर बात करें यहाँ पर धांधली का। धांधली को लेकर पुलिस की तरफ से 12 आरोपियों को पकड़ा गया था, उनके ऊपर एसटीएफ की तरफ से जो कार्रवाई वो लगातार जारी है उसी के क्रम में आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएगा कि 12 आरोपियों के खिलाफ पहले ही गैंगस्टर लगाया जा चुका है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले भांडाफोड सुरा पुलिस ने किया था, साथ ही सरगना केएल पटेल समेत 12 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। इसके बाद मामले की विवेचना जो वो एसटीएफ को ट्रांसफर कर दी गई थी, उसके बाद से अभी तक कोई नया आरोपी नहीं पकड़ा गया है जिनकी कहने की चंद्रमा यादव हो या मायापति दुबे हो, ये दूसरे पहले से इनके कहने की नामजद देखने के लिए मिल रहे थे, लेकिन अभी तक जो अगर देखा जाए उम्मीदें देखने के लिए मिल रही थी जब एसटीएफ के हाथ में गया था कि 120 प्लस वालों की जाँच हो सकती है, 100 प्लस वालों की जाँच करवाई जाएगी और जो टॉपर हैं उनकी भी जाँच होगी, इनके पास एक डायरी भी मिली थी जो कहने की फर्जीवाड़ा करने वाले थे उनकी भी जाँच होने की बातें तो लंबी लंबी कही गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जांच के नाम पर मामला ठंडे बस्ते में चला गया। जो उम्मीदें अभ्यर्थी को देखने के लिए मिली थी कि इसके अंदर फर्जीवाड़ा वाले जो अभ्यर्थी 140-144 जो लेकर के आए थे उनको यहाँ से बाहर किया जाएगा, ऐसा फिलहाल अभी तक नहीं हुआ है, आगे जो भी होगा आप सभी को देखने के लिए मिल सकता है। तो ऐसे में ये तो बात हुई थी 69,000 को लेकर। वहीं दूसरी तरफ बात करें टीजीटी पीजीटी 2020 के बारे में, जैसा कि दोस्तों आप सभी को बताए टीजीटी पीजीटी 2020 के जो आवेदन है फिलहाल बंद हो गए टेक्निकल समस्या की वजह से। 3 से 4 दिनों के बाद में मंगलवार तक आप उम्मीद लगा सकते हैं कि उस पर आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा आवेदन के बारे में, क्योंकि एनआईसी पे छुट्टी होने की वजह से अभी तक जो सर्वर है वो ठीक नहीं हुआ था। तो कल आपको जो अपडेट है वो देखने के लिए मिलेगी चयन बोर्ड से, लेकिन इसके अंदर और भी तमाम चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं चयन बोर्ड की अध्यापक भर्ती के अंदर। बंद हो चुके कोर्स भी यहाँ पर जो मान्य वो देखने के लिए मिल रहे हैं, मैंने एक दिन वीडियो बनाकर आप सभी को ये भी बताया था
कि जो लाहौर की डिग्री थी उसको लेकर भी अभ्यर्थी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। उसी को लेकर जो विवाद है वो आप देख पा रहे हैं। यूपी बोर्ड से जुड़े सहायता माध्यमिक विद्यालय एवं अगर बात करें राजकीय माध्यमिक विद्यालय के अंदर शिक्षकों की चयन प्रक्रिया अलग से एक बोर्ड के होने के बाद भी एक ही कोर्स से पढ़ाने के लिए दो अलग अलग आयता रखे जाने पर अभ्यर्थियों ने सवाल खड़ा कर दिया है। हालात यह है कि विश्वविद्यालय अगर बात करें शैक्षिक संस्थानों की ओर से जिस कोर्स को आउटडेटेड मानकर बंद कर दिया गया है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से आज भी जीवित रखे हुए हैं। तो जैसा कि आप सभी को एक वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये भी बताया था कि 100 साल पुराने नियम से आपकी जो 15,000 शिक्षक भर्ती वो करवाई जाएगी, तो ऐसे में आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी पुराने नियमों जब भर्ती होगी तो कहीं ना कहीं चीज़ें तो आप सभी को इसी प्रकार की देखने के लिए मिलेंगी। हालांकि इसके अंदर समय समय पर संशोधन होते रहते हैं, लेकिन तमाम कमियों की वजह से मामले कोर्ट में जाते हैं, उसके बाद जो भर्ती है वो लटक जाती हैं, फिर 3 से 4 साल अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ता है। तो अभी तक चयन बोर्ड की तरफ से इसको लेकर स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। उम्मीद करते हैं कि जल्द इसके बारे में जो स्पष्टीकरण है वो दिया जाएगा और साथ में जीव विज्ञान वाले अभ्यर्थी को इसके अंदर शामिल किया जाएगा, ऐसी भी संभावना आपको जल्द देखने के लिए मिल सकती है। ये थी दोस्तों अभी अभी की लेटेस्ट अपडेट। फ्लैश वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।